थमागणी, तो आपका स्वागत है फिर से अगली सुबह मेरी किचन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किचन में आज पानी का वार होता है एक दिन छोड़ के एक दिन, और कई बार बीच बीच में दो दिन भी नहीं आते तो पानी भर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा भगोना मैंने मांझ के बन के रखा है, तो कभी कभी जरूरत होती है तो बाहर निकाल लेते हैं भगोने। तो ये मैंने निकाला है, आज पानी भर दिया, इससे मैं कैरियाँ धुलूंगी क्योंकि मैं कैरी का अचार भी डालूंगी। तो ठंडी वगैरह आ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो कैरियाँ पीली पड़ जाती है, खट्टी नहीं रहती। तो मैंने कैरी मंगा ली, यहाँ पर सादड़ी की कैरी होती है वो बहुत फेमस है, तो मैंने बोल दिया हम जहाँ से सब्जी लाते हैं तो वो सादड़ी की कैरी मेरी करीब 4 किलो करीब लेके और काट के रखेगा, तो अभी अर्जुन लेके आएगा। तो फिलहाल इसके पापा के ऑफिस का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दिए हैं थोड़े से, और इसको ब्राउन हल्का सा करके, और अब ये जो बढ़िया है हमारी उसको मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया था, और अब इसको भून लेंगे इसमें हल्का, प्याज भी भून जाएंगे, बढ़िया भी हल्का सा भूनेंगे, बढ़ियों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, और नहीं तो कई बार क्या होता है सेक के निकालते हैं तो इसमें साथ ही भून जाती है। और अब फिर थोड़ा पानी डाल के मसाले मिला देंगे, तो मसाले बढ़िया सब साथ ही पक जाएंगे और फटाफट से सब्जी बन जाएगी। और ये बढ़िया हमारी बहुत सॉफ्ट बनती है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो जल्दी ज़्यादा टाइम भी नहीं, हाथ से पहले बढ़िया देते थे तो वो बहुत कड़क हो जाती थी, ये सॉफ्ट बनती है। तो हल्का सा भून के मैं पानी डाल दूंगी, फिर अदरक लहसुन की पेस्ट और फिर मसाले मिला दूंगी, और इसको पानी डाल के ढक देंगे, फटाफट हमारी बढ़ियों की सब्जी तैयार हो जाएगी। ये भून गई है तो इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, तो बढ़िया भून गई है तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसके अंदर, और अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, साथ ही मसाला भी भून जाएगा और बढ़िया भी पकने लग जाएगी, फटाफट हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो देखिए आप, ये अदरक लहसुन की होममेड पेस्ट बना के रखती हूँ, तो सुबह फटाफट जल्दी होती है, तो मिला डाल देते हैं और सब्जी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूध गर्म हो गया है, साइड में दूध रखिए था, हाउस वाइफ के कई हाथ होते हैं, साथ में कई काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हल्दी और धनिया पाउडर मसाला भून गया, उसके बाद मिला देते हैं लाल मिर्च पाउडर और नमक, सुबह का टाइम बहुत बिजी होता है। अब ये साथ में ही मसाले और सब भून जाएंगे, और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल के और इसको पकाने के लिए ढक देंगे। और इन बड़ियों का खुद का ही फ्लेवर इतना होता है इसमें, अगर चाहें तो थोड़ा सा दही डाल सकते हैं और टमाटर डाल सकते हैं कि किसी को पसंद हो, वैसे इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से हरा प्याज और हरा धनिया डालते थे गर्मी में, नहीं तो फिर सूखा पुदीना पाउडर डाल सकते हैं। तो बस ये मसाला भून जाएगा, फिर मैं इसको ढक के और पका लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी है, देखो साल भर की बड़ी है, बना दी मम्मी के घर जाके बना लेते हैं, चटके फटाफट मम्मी बनवा देते हैं और मोम जामे पे सुखा देते। अब की बार राधिका ने दे दी थी, मशीन से पिसा के ले आते, नहीं तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मूंग की धुली भी, मूंग की दाल भिगो के और मिक्सी में भी पीस सकते हैं, फिर पॉलीथीन में छेद करके और फटाफट जैसे मेहंदी के कोन बनाते हैं उस तरह से फटाफट लाइन में दे दो। सॉफ्ट भी बनती है ये वाली बड़ी, नहीं तो पहले हाथ से देते थे पार्टी पर तो वो थोड़ी कड़क होती थी, ये वाली बहुत बढ़िया सॉफ्ट होती है। ये देखिए आप बताती हूँ, ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है, ये तो सॉफ्ट होती है, तोड़ने में भी चूरा करके बनाते और तोड़ने में भी सॉफ्ट और दूसरी पकने में भी जल्दी पकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे झटपट से बढ़िया तैयार हो गई है। तो यहाँ पे अर्जुन के पापा का खाना तैयार हो गया है, तो बड़ियों की सब्जी साथ में दही थोड़ा और मसाला भिंडी और पराठे, तो मैं उनको दे देती हूँ फटाफट, ऑफिस का टाइम हो गया है। पानी वानी का निपट गया काम, अर्जुन के पापा खाना जिम के ऑफिस चले गए, तो अब थोड़ी फुर्सत हुई है तो हमारा नाश्ता, हमारे नाश्ते की बारी आई है। तो दादी सा थोड़ी सी डायबिटीज और है उनको भी, और मेरे को भी, तो दवाई लेते हैं तो नाश्ता कर लेंगे, वैसे भी करते हैं। तो अब हमारे दादी सा को एक चीज़ पसंद नहीं है, एक दिन आलू का पराठा, एक दिन बेसन का, या कभी पुआ उपमा, छुट्टी के दिन जैसे खमण बनाया या ब्रेड, तो बदल बदल के खाते हैं वो, तो हमको भी अच्छा लगता है। तो आज मैंने दादी सा के लिए, वैसे उनको पनीर पसंद है, तो पनीर के पराठे बना रही हूँ, थोड़ा सा घी इस पर लगा दिया मैंने और थोड़ा सा इसमें धनिया मिर्ची जीरा थोड़ा मसाला मिला के, तो उनके लिए पनीर का पराठा बना देते हैं, तो दादी सा को पसंद आ जाएगा। कभी आलू का बना देती हूँ, कभी प्याज बेसन का, और कभी सादा अजवाइन का और सादा पराठा। इसके पापा तो ज़्यादातर सादा पराठा खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो सब्जी के साथ खाते हैं, और हम लोग नाश्ते में अचार दही कुछ ले लेते हैं तो उसके साथ। तो आज दादी सा के लिए मैं पनीर का बना देती हूँ, तो देखिए आप, और उनको पतला और छोटा पराठा चाहिए होता है, वो ज़्यादा बड़े बड़े मोटे पराठे नहीं खाते, रोटी भी उनको थोड़ी सी भी मोटी होती है तो बोल देते आज मोटी रोटी बनी है, थोड़ी पतली बनाओ। तो ये मैंने पराठा बना दिया है, तो चलिए सेक लेते हैं इसको। तो सुबह की चाय बनाने के बाद जो दूध बच जाता है, थोड़ा मैंने कल ज़्यादा मंगाया था वैसे तो ये जब हमारा दही जमा लेते हैं हम इसका, अभी इसमें जामुन लगा दूंगी,
हल्का सा थोड़ा सा गर्मी में थोड़ा हल्का गर्म और सर्दी में थोड़ा सा तेज गर्म होता है तो दही जम जाता है हमारा। तो इसमें जामन लगा देंगे, अभी दही जमा देंगे। यदि किसी को जल्दी जमाना है तो आटे के डब्बे में या कैश रोल में या फिर आप उसको माइक्रोवेव में रख दो तो बहुत जल्दी जम जाता है वो दही, अगर जल्दी करना है। और गर्मी में तो खैर वैसे ही जम जाता है, अभी सुबह जमाएंगे तो दोपहर को खाने के टाइम तक जम जाएगा। किसी को दही खाना है, रायता, या ज़्यादातर हम छाछ पी लेते हैं, कभी रायता बना लेते हैं नहीं तो छाछ, तो बहुत पौष्टिक रहती है। तो और नाश्ते में किसी को पराठे के साथ दही वही खाना है तो वो मेरा जमा हुआ ऑलरेडी पड़ा है, इसके पापा सुबह जाते तो वो ऑलरेडी जमा हुआ है, उसको फिर ख़त्म कर दूंगी। या फिर थोड़ा सा खट्टा होता है तो उसकी कढ़ी बना लेते हैं या खमण वगैरह बनाते हैं, किसी में भी डाल देते हैं। तो इस तरह से काम में ले लेते हैं सब चीज़ों को। तो ये देखें दादी सा का पराठा बन गया है, थोड़ा और सेक लेंगे। दादी सा ने ले लिया पराठे के साथ बूंदे कैरी का अचार, जो कि अभी मैंने रिसेंटली बॉईल करके डाले थे एक दिन, वैसे मैंने फ्राई करके बहुत सारे डाले, वो रख दिए बड़ी भरनी में। तो ये मैंने दो छोटी भरनी में, हमने एक भरनी खा भी ली छोटी वाली, देखे आप एक शीशी, इतना अचार सब जने पसंद करते हैं। और ये दूसरी भी चालू हो गई है हमारी, ये बॉयल वाले गूंदे थे तो दादी सा ने कहा कि मैं दही अभी नहीं खाऊंगी, दोपहर को छाछ पीऊंगी, तो अभी उन्होंने दही के साथ नहीं और अचार के साथ खा लिए। तो हम बहुत सब जने बहुत अचार पसंद करते हैं बहुत, अभी तो मैं कैरी भी डालूंगी आज, तो इतना अचार खाते हैं सब जने, सब शौकीन है। और उसके साथ साथ मैं मिर्ची का, नींबू का और आंवले का, मौसम होता है आंवले गाजर कई तरह के अचार बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन धुल गए फटाफट, एक कटोरी और प्लेट भी होगी तो मैं धो के रख देती हूँ, इकट्ठे नहीं करती मैं यार। देखिए आप बर्तन का टोकरा फुल भर गया है सुबह से, अभी सब सूख जाएंगे तब इनको पहुँच पहुँच के जमा देंगे। और फिर खाने के थोड़े हम छोटी छोटी फैमिली है तो ज़्यादा नहीं होते हैं, और धोते भी हैं तो मेरे को वो भरा हुआ जैसे सिंक पड़ा है या नीचे टोकरा भरा हुआ झूठे बर्तनों का पसंद नहीं है। पहले दादी सा जब मैं शादी कर गई तो उन्होंने रख रखी थी, लेकिन मैंने हटा दी क्योंकि वो कभी देर से आती थी। झाड़ू पोछे के लिए मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि घर बहुत बड़ा है तो साफ सफाई हो जाती है और भी बहुत सारे काम होते हैं तो, लेकिन बर्तन है और ये सब चीजें मैं अपने आप हाथ से करना, और सबसे बड़ी बात सफाई मेरे को पसंद है। तो मैं और फटाफट आप देखिए मेरा सिंक हमेशा खाली रहेगा, फटाफट बर्तन धो लेते हैं, जैसे जैसे होते रहते धो के एक चम्मच भी मैं नहीं रखती झूठा, ये मेरी आदत है शुरू से, तो इसलिए मैं बर्तन वाली नहीं रखती। बाकी तो दादी से कई बार बोलते हैं इसके पापा भी की बर्तन वाली, तो मैं ही मना करती हूँ। और अभी जैसे राधिका पियर गई है वो भी आ जाएगी तो फिर हम फटाफट दोनों जने मिलके कर लेते हैं, तो उसमें कोई है ही नहीं, इतने साल से तो मैं अकेली भी कर रही थी, और आप दोनों मिलके कर लेते तो जरूरत ही नहीं पड़ती और घर में भी साफ सफाई और स्वच्छता रहती। यहाँ पे मैंने ले ली है 4 किलो कैरी, कैरी का अचार डालूंगी। अभी आंधियां वगैरह चल रही है तो कैरियां झड़ जाती है और फिर वो थोड़ी गर्मी पड़ेगी तो पीली भी पड़ जाती है, तो अभी अच्छी कैरी एकदम पक गई है और मतलब गुठली इसकी पक गई है और कैरी हरी हरी अच्छी आ रही है खट्टी खट्टी, तो अभी मैंने ले ली। यहाँ पे मैंने नल के पानी से धो लिया, अच्छे से इनको वॉश कर लिया है और अब इनको मैंने साफ पानी भर के, सुबह मैंने दिखाया था भगोने में भर के रखा है, तो फिर उसमें से भी धो लेते हैं और फिर इसको सुखा देंगे हम कॉटन के कपड़े पे, पूरी तरह से सूख जाएगी फिर मैं इसका अचार बनाऊंगी। इसको पकाना नहीं, बस सूखने के बाद मसाले मिला देंगे और सरसों का तेल गर्म करके ठंडा कर दूंगी, फिर उसमें मिला देंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अर्जुन गया था कैरी लेने तो थोड़ी सब्जियां भी मंगा ली मैंने, तो थोड़े करेले मंगाए हैं, इस बार बहुत दिनों से बनाए मैं और दादी सा खाते हैं, इसके पापा और अर्जुन को करेले पसंद नहीं है तो मैंने छील के रख दिए थे जब कैरियां वगैरह धोई और नमक लगा के, तो अब इसके छोटे छोटे से देखिए गोल गोल टुकड़े काट के मैंने पहले फ्राई कर लिए और साथ में थोड़े प्याज डाल दिए, बाद में थोड़े करेले फ्राई हो गए जब, अब थोड़े मसाले मिला लेते हैं इसमें, थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट और मसाले सूखे और अच्छे से इसको बना लेंगे सूखा, और थोड़ा सा अमरूद डाल देंगे खटाई का, तो बहुत अच्छे करेले बन जाएंगे, पड़े भी रहे 2-3 दिन फ्रिज में तो खराब नहीं होते तो खा लेते हैं। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी, नमक लगा के पहले से ही रख दिए थे तो अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं, धो लिए फिर हमने, और अब थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा नमक डालूंगी क्योंकि कड़वे होते करेले और पहले से ही नमकीन है, और हल्का सा इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी, थोड़ी भून लिया और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी,
क्योंकि दादी सा को ज़्यादा मसाला पसंद है तो हल्के मसाले के बनाए। अब इसको भून लेंगे हम और फिर हम थोड़ी सी अमचूर डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, जो भी रेसिपी आपको दिखा रही हूँ वो मेरे YouTube चैनल प्रमिलास कुक बुक पे उपलब्ध है और मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी तो आप उसको देख सकते हैं। भाई ग्राहक जी कितने गोलगप्पे खाओगे, दुकान खोल दिए बोलो। अरे आपको खिला रहा हूँ मैं, 10 रुपए के 2 दूंगा सिर्फ, आपने भी मेरे को मेरे वीडियो में 10 रुपए के 2 दिए थे। तो ये मम्मी क्या है कि पतासे बना के रख देती है, उसके बाद में पानी भी बना देती है और फिर जब भाई मन करता है हम ऐसे भाई अपनी दुकान खोल लेते हैं खुद की पर्सनल गोलगप्पे की और खाना शुरू कर देते हैं। तो भाई मैं तो यहाँ पे गोलगप्पे का आनंद ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है मम्मी? खाना तो पूरा बन गया, आपने सब बना लिया, आप क्या कर रहे हो अब? अब मैंने ये बूंदी भिगोई है थोड़ी सी, जो बूंदी का रायता बनाऊंगी। बूंदी का रायता बन रहा है गाइस, कई बार ऐसे ही डाल लेते हैं क्रिस्प रखने के लिए। मैं तो ये कोरे ही खा लेता हूँ, बूंदी अच्छी लगती है क्योंकि ये वाली जो बूंदी है ना हल्की सी सॉल्टेड है ये, तो बहुत अच्छी लगती है। ये सॉफ्ट भिगोई भी बूंदी डालते ना जब अच्छा लगता है। तो मैंने पानी में थोड़ी देर भिगो दिया, अब दही में डाल दिया। दही में थोड़ा पुदीना पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, मिर्ची, थोड़ी सी शुगर डाल दी। यहाँ पे मैंने सभी मसाले वगैरह डाल के बूंदी डाल दी, तो हमारा रायता तैयार हो गया। फ्रिज में रख देंगे, फिर ठंडा ठंडा खाएंगे लंच में। साथ में देख सकते हैं सुबह मैंने दही जमाया था, जो रात का दूध है, कितना बढ़िया है, दही जम गया है इसका। कितना जल्दी जम गया है ना, गर्मियों में जल्दी जम जाता है। और भी अच्छा हो जाएगा ये, तो अभी मैंने निकाला ही है। तो बस अब इसको अंदर रख देते हैं और इस रायते को भी, तो खाएंगे लंच में मजे से। लंच में मजे से खाएंगे और मैं तो अभी फिलहाल मजे से आ जाओ लो गोलगप्पे खा लो, आपको थोड़ी है ना सस्ते लगा दूंगा मैं, आ जाओ। ठीक है, कैरियों को धो लिया था, उसके बाद हमने पूरा पानी जाली से छन गया, उसके बाद इस कॉटन के कपड़े पे डाल दिया हमने इसको और डाइनिंग टेबल पे बिछा दिया। मैंने बाहर नहीं रखा है तो डाइनिंग टेबल पे फैन चला दिया तो एकदम सूख गई है ये, तो थोड़ी सी ये सूख जाएगी, दिन भर मैं रख दूंगी इसको तो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगी। फिर शाम को इसमें मैं मसाला मिला दूंगी। इसको जानना तो इसको पकाना है ना, उबालना है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें ये धोने के बाद सूखने के बाद मसाला मिला देंगे और तेल मिला देंगे। अरे भाई मम्मी ये क्या कोको कोला वो नहीं है क्या आपने? ये है भगोने में सरसों का तेल, वो ऐसे काला दिख रहा है थोड़ा, तो सरसों का तेल मैंने भगोने में डाल के और गर्म कर दिया थोड़ा धुआं निकलने तक और फिर गैस ऑफ कर दी। तो 1.5 किलो सरसों का तेल मैंने लिया है, तो 4 किलो में वो पूरा हो जाएगा। कैरी के अचार में ज्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती है, गूंदों में होती है। तो इसको गर्म करके अब ठंडा कर लेंगे, फिर फटाफट जब मैं शाम को कैरी डाल दूंगी सूख जाएगी तब उसमें मसाले वगैरह सब मिला के और तेल डाल के भरनी में भर देंगे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और अचार हमारा तैयार हो जाए। तो अब हो चुका है लंच का समय, तो लंच में हम ले रहे हैं बूंदी का रायता, ये देख सकते हैं आप बूंदी का रायता, साथ में करेले बनाए थे मैंने और बनाई है बड़ियों की सब्जी झोल वाली और थोड़ा अचार वगैरह है, प्याज है और फुलके हैं और खींचे पापड़ थोड़े तले रख लिए। तो आप चलिए फिर लंच कर लेते हैं। मम्मी की प्लेट दूर है, देखो मैं अपने पास में से दिखा देता हूँ, प्याज, फुलके, वो करेले, हाँ मैं करेले नहीं खाता, ये बढ़िया और ये अचार और ये करेले खाते ही नहीं है, बैंगन और करेले नहीं खाते हैं, अर्जुन के पापा और अर्जुन दोनों। बूंदी का रायता मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले मम्मी कैसे मैं बूंदी इसके ऊपर वो अलग से डाल लेता था, ऊपर से सूखी उस पर क्रिस्प आता था, मतलब भिगो के नहीं डालता। तो यहाँ पर मैंने रखी है कैरी की मीठी लॉन्जी, जो अर्जुन ये भी नहीं खाता है, इसके पापा राजी साहब मैं खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है और फ्रिज में बना के रख दो तो ये 1 महीने तक अच्छे से पका लो, 1 महीने भी खराब नहीं होती, बहुत ही अच्छी हो जाती है टेस्टी। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो शाम हो चुकी है, जोत वगैरह करके चाय भी पी ली, जोत कर दी और वापस से कार्यक्रम शुरू हो गया है। कैरियाँ यहाँ पे देख सकते हैं, कैरियाँ भगोने में डाल दिए मैंने अच्छे से ताकि मसाला मिक्स हो जाए बड़े भगोने में, और इसको पकाने और उबालना कुछ भी करना नहीं, बस इसमें मसाला सूख गई है, हमने सुखा दी थी, अच्छे से सूख गई, बिल्कुल अच्छी सूखी होनी थी। और अब इसमें मसाला मिला रहे, तो मैंने सेक ली है थोड़ी सी ये जो मेथी होती है दाना मेथी, मसाला बनता है इसका भूल जाएगी तब, तो ये सेक ली। और मैं सौंफ ली है मैंने, तो सौंफ भी थोड़ी सेक लूंगी और थोड़ा मैं ये बाजार का अचार मसाला मिलाती हूँ, इसमें पीली सरसों वगैरह होती है तो इसकी खुशबू अच्छी आती है, वैसे अलग भी मिलती है पीली सरसों और राई, कई जने डालते हैं, मैं राई नहीं डालती हूँ, तो उससे क्या थोड़ा टाइम बाद अचार में थोड़ा लिपलिपा और थोड़ा कालापन हो जाता है, इसलिए मैं राई नहीं डालती हूँ। और सरसों का तेल मैंने जैसे आपको यहाँ बताया था गर्म करके रखा है तो ठंडा हो गया, दोपहर में खाना बनाने के बाद एंड में कर दिया था, तो बस इसमें मसाले डाल के और तेल मिला देंगे। तो अब मैं सौंफ सेक लेती हूँ थोड़ी, सौंफ की बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा बहुत मसाले में भी है तो थोड़ी थोड़ी डाल देंगे हम। तो मेथी सेक ली तो अब सौंफ सेक लेते हैं। और यहाँ पे है कलौंजी, जो कि बोलते हैं कि रायता या कलौंजी, अनियन सीड्स भी बोलते हैं, तो वो भी डालेंगे, हींग डालेंगे इसके अंदर,
तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। लीजिए फ्रेंड्स, कैरी सूखने के बाद डाल दी भगोने। अब इसमें सबसे पहले मैं मिला रही हूँ अनियन सीड्स, कलौंजी यानी कि किरायता, तो वो मंगरेल भी कहते हैं कई जने इसको, तो वो मैं मिला लेती हूँ थोड़ा इसके अंदर। तो इसके अंदर भी अचार मसाले में थोड़ा वो मिला लिया, और ये है अचार का मसाला, तो ये मिला लेते हैं। और फिर थोड़ा हम इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, अपने घर वाला जो मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा वो भी डालूंगी मैं। और साथ ही साथ ये जो मैंने यहाँ पे सेक के रखा है मेथी, और ये है सौंफ, तो इसको भी डालूंगी। ये साबुत रखा है मैंने, इसको नहीं पीसा। या आपके पास अचार मसाला नहीं हो तो इसको आप दरदरा पीस सकते हैं दोनों को। और ये मैं अचार मसाला बाजार का डाल रही हूँ, तो इसको मैंने पीसा नहीं है, तो थोड़ा साबुत और थोड़ा पीसा हुआ हो जाएगा, तो एकदम से वो मिक्सचर जैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल मेल्टेड, थोड़े दाने भी आएंगे सौंफ के और वो। तो इस तरह से मैं डालती हूँ आधा घर का साबुत और ये पीसा हुआ सा, तो आप इसको मिला देते हैं। तो कलौंजी डालने के बाद इसमें हींग भी डालते हैं, और हींग कच्ची डाल देते हैं बिल्कुल, ये पड़े पड़े एकदम से अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसका। तो हींग डाल देते हैं इसके अंदर, आप चाहें तो तेल के अंदर भी डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें कच्ची डाल दी है। तो हींग डाल दी मैंने 3 चम्मच, और अब मसाला डाल देते हैं। अचार मसाला मिलाने के बाद अब इस, ये 4 किलो कह रही है, तो काफी इसमें उस हिसाब से मैंने मसाला मिलाया, और मेथी वगैरह भी फूल जाएगी, थोड़ी साबुत रख ली, थोड़ा पीसा हुआ था बाजार का मसाला वो भी मैंने डाल दिया है। और आप नहीं हो तो आप घर पे भी उसको दरदरा पीस के डाल सकते हैं। तो देखिए आप मिक्स कर दिए, घर के भी थोड़ी सी नमक, मिर्ची, हल्दी डाल दी मैंने, और 1 पैकेट मैंने बाजार का डाल दिया है अचार मसाला। तो मसाला फूलेगा तब ऊपर देखिएगा, अभी फिलहाल नीचे बैठ गया। तो अब इसमें हम तेल मिला लेते हैं, तेल मिलाने के बाद ही इसकी रंगत दिखेगी। और फिर थोड़ा सा तेल मिक्स करने के बाद मसाले को उंगली पे लेके और चख ले तो पता पड़ जाता है कि नमक इसमें थोड़ा हल्का सा तेज रहता है, तब ये जब खटाई आएगी बैठेगी तो वो बराबर हो जाता है। तो चलिए अब इसमें मिला लेते हैं मसाले मिलाने के बाद तेल। सरसों का तेल है यहाँ पे जो मैंने गर्म करके रख दिया था दोपहर को, तो ठंडा हो गया है ये, तो अब इसको मिला लेते हैं। तो इसमें मैंने 1.5 किलो करीब सरसों का तेल लिया था, पहले हिला के देख लेती हूँ मैं, वैसे ये पूरा इसमें लगेगा। चमक आ गई अचार में तेल डालते हैं। तेल डालने के बाद शाइन आता है, बस अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल ठंडा ही है, और थोड़ी सी देर बाद इसको भरनी में भर के रख सकते हैं बिल्कुल सूखी। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे फफूंदी आ गई, मैं साल साल भर 5-5, 6-6 किलो एक साथ अचार बना के साल भर के लिए रखती हूँ, कभी भी फफूंदी गीला चम्मच ना डाले, भरनी बिल्कुल सूखी हो। और जो हमने ये मिलाए हैं ये सब चीजें सूखी होनी चाहिए, कैरी, गुंदे, आप देख सकते हैं दिन भर मैंने उनको सुखाया, थोड़ी देर पंखा भी चला दिया, तो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, तो कभी भी फफूंदी। और नमक इसमें बराबर हो और खटाई, और तेल जिसमें किसी अचार में तेल ज्यादा है तो वो तेल में डूबा होना चाहिए, तो आपके कभी भी अचार खराब नहीं होगा। और फफूंदी मेरे तो इतने साल का 35 साल का अनुभव है, और बराबर हर साल मैं इतने अचार बनाती हूँ, तो कभी भी अचार खराब नहीं हुआ मेरा। और आप कमेंट बॉक्स में आप देख लेना जाके मम्मी की जो अचार की पूरी एक क्या कहते हैं खजाने वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप अगर उस पर क्लिक करोगे ना, और आपको अगर अचार से प्यार है ना, तो आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। बहुत सारे तरह तरह के आंवले के, गाजर के, गोभी के, मिर्ची के, मतलब कई तरह के गुंदे, कैरी, सब तरह के अचार मैंने बना रखे हैं, तो आप उस पे मेरे रमीला कुक बुक चैनल पे जाके और आप देख सकते हैं बहुत सारे तरह के अचार। कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मसाले वगैरह सब मिला दिए, तेल भी मिला दिया, कैरी का अचार तैयार हो गया है। सौंफ और मेथी, कलौंजी और हींग इसमें बहुत जरूरी है, हर एक अचार में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा था, तो सभी अचारों में हींग जरूर डालें। और यहाँ पे मैं अचार, वैसे तो मैंने मूंगफली के तेल में डाला था गूंदे का अचार, और जो ये जो कैरी का अचार है ये मैं सरसों के तेल में डालती हूँ, उसका फ्लेवर कैरी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने 1.5 किलो तेल गरम करके रखा था, ये थोड़ा सा मैंने बचा दिया है, तो इसको मैं शीशी में भर के रख दूंगी, ठंडा हो गया, और इसमें मिला दे जितनी इसमें जरूरत थी, अगर ऊपर तक नहीं आएगा थोड़ा भरनी में तो और मिला देंगे, नहीं तो इसको रख लेंगे, और भी कभी कोई थोड़ा बोड़ा अचार कोई बनाए दूसरे तो उसमें काम आ जाएगा ये तेल। और वैसे अभी मुझे लग रहा है कि इसमें है नीचे,
तो जरूरत होगी तो और मिला दूंगी, नहीं तो फिर इतना ही काफी होगा। और इसको बिल्कुल थोड़ी सी देर बाद मैं भरनी में भर लूंगी इसको। तो ये हमारा अचार बिल्कुल अब तैयार हो गया, बहुत ही आसान है। कैरी का अचार घर पे बनाए, आप भी अभी कह रही हैं बहुत अच्छी आ रही है, हमारे यहाँ स्पेशली मशहूर है साधड़ी की कैरी, तो वो मैंने मंगवाई थी कटवा के, तो दुकान वाले काट के दे देते थे, और बहुत ही धोखे और आसानी से अचार बन जाता है। बाजार के अचार की अपेक्षा घर में अचार बनाएं और खाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे बन गई है टमाटर और मिर्ची की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है दाल वगैरह के साथ में। और यहाँ पे मूंग चने की दाल बना दी है मैंने, मिक्स करके बना दी, और साथ ही थोड़े चावल बनाऊंगी और फुलके बनाऊंगी, और करेले की सब्जी बनी हुई रखी है, थोड़ा अचार ले लेंगे किसी को लेना होगा। तो इस तरह से ये रात का बन गया है डिनर, और सीटी आने वाली है मुझे लग रहा है, सीटी कभी भी आ सकती है मम्मी, बस मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ। फुलके और चावल, तो इसको ऑफ कर देते हैं, हमारी दाल बन गई, तड़का लगाएंगे अभी। और पहले मैंने अचार बना लिया था, उसके बाद अब मैं डिनर बना रही हूँ, तो इसी तरह से ये सब घर का काम चल रहा है। अरे मेरे किचन योद्धा किचन योद्धा सबसे ज्यादा मुझे लगती है गर्मी में परेशानी, और मुझे काम करने का बहुत शौक है, मुझे तरह तरह के पकवान बनाने का बहुत शौक है, लेकिन गर्मी सर्दी होती तो मैं पूरा दिन किचन में, लेकिन जो गर्मी होती है ना उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काम का शौक है तो मैं करती जरूर। मैं खुद देखता ना मम्मी को अलग अलग चीजें ट्राई करने में, इतना मतलब एक चेहरे पे खुशी अलग होती है कि भाई रेसिपी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, मैं कहा यार कम गजब, साल भर का बहुत खुशी है मुझे कुछ ऐसे मेकअप करके घूम के, और खुशी होती है मेरे को, ऐसे खुशी होती है ये, इसकी तो मुझे भी बहुत खुशी है। कोई नई चीज आती हूँ मैं सजावट की, घर का कोई नया फर्नीचर, तो मुझे बहुत खुशी होती है, अपना अपना शौक है। और ये देखो शौक बड़ी चीज है मम्मी, देखते हो कि किचन में ठंडे पानी की बोतल जरूर पड़ी रहती है, थोड़े थोड़े देर बाद मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि फैन नहीं चला पाती, फैन भी लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन क्या जैसे काम खत्म होता है गैस ऑफ होते मैं फैन ऑन कर देती हूँ, लेकिन जब गैस के ऊपर हवा आती तो गैस ज्यादा भी जलता है और हवा लगती है, तो देर से खाना पकता है, इसलिए गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो यही कार्यक्रम चल रहा है इस तरह से दोस्तों फ्रेंड्स, तो आप लोग भी अपने घर पे इसी तरह से काम करते होंगे, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ये मेरा तरीका है, तो शायद आप लोगों को पसंद आता होगा, तो कमेंट करके मुझे जरूर जरूर बताइए। और जो एक है वो साउथ इंडियन जो मेरे को हमेशा कमेंट करते हैं, उनका जो कमेंट होता है ना वो मुझे बहुत पसंद आता है, वो लिखते हैं ना तो बहुत प्यार से लगता है, उनका लगता है कि वो दिल से लिख रहे हैं, तो मुझे बहुत, वो अपनी जो रेसिपी है उनकी जो फेवरेट या जो अच्छी, तो वो मुझे है ना बता सकते हैं उस पर लिख के कि क्या रेसिपी, तो मैं शायद ट्राई करूंगी बनाने का उनकी कोई वो रेसिपी। मैं मेरे को एग्जैक्टली तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं उनका नाम नहीं पता, थैन मोजी वी ऐसा करके कुछ है, बहुत प्यारा कमेंट करते हैं वो हमेशा, बहुत ही दिल से करते हैं, लगता है उनके कमेंट से कि वो मेरी फैन है, और बहुत दिल से, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और अर्जुन मुझे बताता है कि मम्मी अरे उनका कमेंट तो मुझे बहुत अच्छा, उनका कमेंट मेरे चैनल पे भी हमेशा आता है, पीसीबी व्लॉग्स पे बहुत ही मजा आता है मुझे पढ़ के भी, तो उनके लिए तो बहुत ही थैंक्स आपके कमेंट्स के लिए और आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से प्यार देते रहिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहिए। बाय बाय, खमागणी। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।